Phase of our ceremony. Please put your hands together. The launch of international school with international learning standards. The school has been taken over by IDPS Society. Now IDPS Society is going to run this school. सर, टॉकिंग अबाउट आई डी पी एस जो सोसाइटी हैं, कैन यू प्लीज़ गिव जो हमारी जो कश्मीर के लोग यहाँ एडमिशन करेंगे बच्चों के, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ या चीज़ें जो डिफरेंट है यहाँ बाकी स्कूल से? देखिए, यहाँ एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम नाम लेते हैं, आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा इस चीज़ से, हम नाम लेते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक सोसाइटी है जिनके डीपीएस के स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया है। इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल। वो इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि हम अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकें जो इंटरनेशनल लेवल पर अब ज़रूरत है, क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। आज किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज़ पूछनी होती है, पहले एक टेक्स्ट बुक होती थी और टीचर ही उसका गाइड होता था। आज तो गूगल पर वो एक सेकेंड में पता कर लेता है कौन सी चीज़ क्या है। आज तो बच्चे इवन यहाँ तक हद हो गई है कि आप बच्चे टफ क्वेश्चंस ढूंढ के गूगल से निकालते हैं और फिर अपने टीचर्स का एग्ज़ाम लेते हैं। सो विद द चेंजिंग सिनेरियो, यहाँ अब ज़रूरत है इंटरनेशनल स्कूल्स की, यहाँ अब ज़रूरत है इंटरनेशनल एक्सपोजर की। मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसमें मेरे को दुनिया के बाकी लोग थे। पहले क्या होता था, हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, बट नाउ विद द AI टेक्नोलॉजी आई वॉज स्पीकिंग स्पेनिश, आई वॉज स्पीकिंग फ्रेंच। जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है, और आने वाले 4 सालों में आप याद रखिएगा, कश्मीर अगर नहीं आया इंटरनेशनल मैप पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एजुकेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, आपने बात की इंटरनेशनल टर्म की, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ऐसा ना हो कि जो हम इंटरनेशनल टर्म इसके पीछे पढ़ के जो हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स है, हमारा जो कश्मीरी कल्चर है, हम हमारे बच्चों को वही ना दे पाए। हाँ, ये ज़रूरी है, आपने सही बात की कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे आने की ज़रूरत है, बट अपने कल्चरल जो हमारे रूट्स हैं हम वो बोलना नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या यहाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम है, होंगे? बिल्कुल, देखिए हर स्टेट का, हर जगह का अपनी एक आइडेंटिटी होती है। कश्मीरी हमारी पहचान है, वी विल मेक इट श्योर दैट वी नेवर लूज़ आवर आइडेंटिटी। नीदर जो पहले हमारे साथ मतलब हुआ है कि हमारी ज़बान, हमारी सकाफत, हमारी हर चीज़। देखिए, एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप खाली मॉडर्न चीज़ें यूज़ करें, कुछ चीज़ें जो आपकी विरासत में मिली हैं उनका रहना बहुत ही ज़रूरी है। ओके शिवा मैम, आपने जैसे आज हम यहाँ आए हैं लॉन्चिंग पे, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ किंडरगार्टन स्टार्ट हुआ, तो क्या आप अपना जो गोल है एज अ प्रिंसिपल वो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, पहले अल्लाह का, फिर आप सब लोगों का, दैट वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट वैली इज़ गेटिंग इट्स फर्स्ट स्कूल विच विल बी इंटरनेशनल, हैविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारा विजन एंड मिशन इज़ लाइक टू गिव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू द हाईली एनर्जेटिक यूथ ऑफ कश्मीर। सो इंशाल्लाह विद दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, एफिलिएशन विद दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू आर किड्स। हमने अभी जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस पर बात हुई टैबलेट्स की, कि जो आप जो हैं आप टैब्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो गए कि लाइक के बच्चे जो है स्क्रीन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या मतलब जो आपने ये कहा कि इट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो टैब्स हैं बच्चों को प्रोवाइड करना, इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, सो वट आर योर थाट्स ऑन इट? आई पर्सनली बिलीव कि विद एवरी पासिंग डे वन शुड इवॉल्व, तो हमारे बच्चे दे लिव इन अ टेक्नोलॉजिकली साउंड एरा, अगर हमने इस टाइम पे उनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेन नहीं किया, देन दे विल बी लैगिंग दिस काइंड ऑफ स्किल फॉर लाइफ टाइम। नहीं, येस वी आर नॉट गोइंग टू एम्फसाइज ऑन द यूज़ ऑफ टैब, बट येस वी विल बी ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को कैसे जुडिशली यूज़ करना है, एंड वी आर गोइंग टू लिमिट द यूज़ ऑफ टैब, हाउ दे कैन लिमिट द यूज़ ऑफ टैब इन द क्लासरूम। मैम, एज अ पेरेंट इन श्रीनगर बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मिशनरी स्कूल्स भी हैं, तो
मैं बोलना चाहूँगी जो IDPS हैं इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो पेरेंट्स है ओवर दो स्कूल्स IDPS जो है ये स्कूल जो है प्रेफर करें अपने बच्चों के लिए? पहले हमारा स्कूल अब एक इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, दैट मींस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, एडुकेशन इज़ प्रोवाइडेड इन ऑल द स्कूल्स, दैट्स वंडरफुल जॉब डन बाय ऑल द स्कूल्स। बट यहाँ हम हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई फॉर आर किंडरगार्टन सेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन रिच काइंड ऑफ फूड टू देम। एंड प्लस हमारा जो एनवायरमेंट है दैट इज़ सेफ, सिक्योर एंड दैट इज़ कंजीनियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर स्टूडेंट्स। टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्टाफ जो है यहाँ, जो इससे पहले स्कूल था उसके ओल्ड स्टाफ से, तो क्या वो फायर होने वाले हैं सारे? अगर फायर होने वाले होते तो पहले सबसे पहले मेरा नाम होता। मैं एफिलिएटेड हूँ CET से सिंस 2017। एंड जब तक आप टैलेंटेड है, हार्डवर्किंग है, सिंसेयर है, नोबडी कैन एवर फायर यू फ्रॉम एनी ऑफ द पोस्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मेरी जर्नी CET के साथ स्टार्ट हुई। टुडे आई एम प्रिंसिपल ऑफ IDPS श्रीनगर, विच इटसेल्फ शोज कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यस, टीचिंग फील्ड में वी नीड टू बी अपडेटेड एवरी डे एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि कितने भी असेसमेंट्स आए माई टीचर्स आर गोइंग टू इम्प्रूव विद एवरी डे, विद एवरी पासिंग सेकेंड। एंड इंशाल्लाह एनी पैरामीटर गिवन टू देम दे विल क्वालिफाई दैट विद वंडरफुल कलर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं स्कूल, सो उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए आई वुड लाइक टू सिंसियरली आस्क देम टू जस्ट काइंडली पे अ विजिट टू आर स्कूल, ऑब्जर्व द थिंग्स योर सेल्फ एंड देन डिसाइड, बिकॉज दिस विल बी अ changing moment for their kids, because first step of kids starts from the school. So I want them to please pay a visit to our school, observe the things and then take a decision. Thank you so much. Yeah, my Dr. Narayan Kumarkar, President of the IDPS Society, New Delhi. So Dr. Sahab, aapne jaise humne aaj jo IDPS ki launching hui, can you please share the goal of IDPS in Srinagar? Actually, hamara shuru se hi goal raha कि कश्मीर वैली में एक ऐसे स्कूल की स्थापना हो जहां से बच्चे ग्लोबल सिटीजन बन सके और उसको आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा फर्स्ट गोल है एकेडमिक पर, और एकेडमिकली हमारे जो भी बच्चे हैं यहां से ग्लोबल सिटीजन होकर निकलेंगे, सो दैट सिस्टम वी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड हियर। सर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम, जो कल्चरल सिस्टम है, क्या उसमें जो कल्चरल बेसिस है हमारे कश्मीरी रूट्स है, क्या कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डर लगा रहता है कि जब इंटरनेशनली कोई चीज़ होती है तो जो उनके कल्चरल रूट्स है ना वो खो जाएंगे, तो उस पर क्या आप ये है कि कोई कल्चरल प्रोग्राम्स या कोई कल्चरल जो यहाँ पर प्रोग्राम या टीचर्स जो है वैसा उनके ज़रिए कुछ होगा? जवाहरलाल नेहरू बताए थे कि इंग्लिश इज़ द विंडो बाय विच यू पीप द वर्ल्ड बट डोंट फॉरगेट योर रूट। तो हम अपने रूट पर बरकरार रहेंगे, भाषा सिर्फ भाषा होगा, वो अंग्रेजियत हमारे अंदर नहीं आएगी। हाँ, अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे और इससे दुनिया में होने वाले चैलेंजेस से हम रूबरू होंगे और उसको हम फेस करने में कामयाब होंगे।